अब बस आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें आईपीएल 2023 के सीजन की शुरुआत होते हुए नजर आने वाली और आईपीएल 2023 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से लगातार काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते, चलिए बात कर लेते पहले बड़े अपडेट की। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी बिल्कुल फ्री में जीतना है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जल्द से जल्द मुंबई इंडियंस की टीम की 10 जर्सियों का फ्री में गिव अवे करने वाले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है। ये बड़ा अपडेट एमआई की टीम जो पूर्व खिलाड़ी मिचेल मैकलेनिगन उनको लेकर आए, जहां दोस्तों उन्होंने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट पर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर वो इजीली स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे। आप वीडियो पोस्टपोन करके दोस्तों वीडियो रोक कर इजीली उस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। तो मिचेल मैकलेनिगन का ये कहना है जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट को लेकर। और वहीं अगर अगले बड़े अपडेट की बात की जाए तो ये बड़ा अपडेट एम आई की टीम की नई ओपनिंग जोड़ी को लेकर आया है, जहाँ दोस्तों एम आई की टीम के पास में एक और ओपनिंग पेयर आ चुका है, जहाँ दोस्तों जिनमें हमें जो खिलाड़ी नजर आने वाले जैसे कि दोस्तों कैमरॉन ग्रीन और ईशान किशन, ये दोनों खिलाड़ी हमें एमआई की टीम के लिए ओपनिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम का मिडल ऑर्डर उठा के देख ले तो एमआई की टीम के पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद नहीं है सूर्या के अलावा, जो कि एमआई की टीम के मिडल ऑर्डर को अच्छी तरीके से चला सके। दोस्तों हमें रोहित शर्मा नंबर 3 या फिर नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कुछ नई बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले सीजन में भी देखा है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए पहले रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, मात्र 2-3 साल से रोहित शर्मा में एमआई की टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिडल ऑर्डर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है रोहित शर्मा का, तो हमें रोहित शर्मा नंबर 3 या फिर नंबर 4 पर भी आसानी के साथ में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक फिनिशर्स की बात की जाए, टीम डेविड ब्रिजेस फिनिशर इस टीम के पास में भी मौजूद है, तो इसलिए टीम का जो दोस्तों बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत हमें होते हुए नजर आने वाला है अगर रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं तो। और दोस्तों ओपनिंग करते हुए हमें कैमरॉन ग्रीन और ईशान किशन नजर आ सकते हैं, जो कि ताबड़तोड़ खिलाड़ी है। दोस्तों अगर कोई भी विकेट होता है तो कोई भी इससे बड़ा नुकसान है एमआई की टीम को नहीं होने वाला, क्योंकि इसका है टीम डेविड और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी पीछे रहने वाले हैं एमआई की टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए और रन बना के देने के लिए। दोस्तों हमें रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आती है अगर आईपीएल 2023 के सीजन में, तो इससे काफी बेनिफिट हमें होते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को नजर आने वाला है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, रोहित शर्मा किस नंबर पर बैटिंग करना चाहिए और कैमरॉन ग्रीन और ईशान किशन को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, तो आप अपनी राह में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी बिल्कुल फ्री में जीतना है तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।